हैं, मोदी जी ईवीएम पे कूद रहे हैं। आज ईवीएम हटा दिया जाए देश से, मोदी जी एक बार पार्षद का इलेक्शन नहीं जीत सकते। खराब हो चुका है, 17 साल पहले क्यों नहीं दिया? हालत खराब है। 17 साल से वो मुख्यमंत्री थे, उसके पहले नौकरी क्यों नहीं दिए? हमारा काम करने का जज्बा होता है, तू थके हुए मुख्यमंत्री। बहुत सारे लोग जो है ना जदयू के कार्यकर्ता लोग भी आए हुए हैं, कार्यकर्ता एकदम आए हुए जदयू के, बहुत सारे लोग मिले, वो भी कहे कि हम भी नीतीश तेजस्वी यादव के फैन है। गांधी मैदान में जनविश्वास यात्रा यानी महागठबंधन की ओर से जनविश्वास यात्रा के बाद अब जो है गांधी मैदान को भरने जा रहे हैं, राजद पार्टी से हैं, क्या कहिएगा? आज पूरा पटना भर दिए हैं, पटना पूरा एक एक जनता आके भरा है, तेजस्वी जी के विश्वास पर भरा है। 17 महीना में जो हमारे बिहार के लोकप्रिय युवाओं के आइकॉन जो विश्वास हम लोगों के बीच भरने का काम किए, 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। नौकरी देने का काम तो नीतीश जी ने किए हैं। नीतीश जी कब किए? कब बोल रहे हैं जदयू कार्यकर्ता? अरे वो दिमागी हालत उनका खराब हो चुका है, 17 साल पहले क्यों नहीं दिया? हालत खराब है। 17 साल से वो मुख्यमंत्री थे, उसके पहले नौकरी क्यों नहीं दिए? हमारा काम करने का जज्बा होता है, वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार के लोगों को नौकरी दिए हैं, रोजगार दिए हैं। 2005 के बाद देखिए कितना रोजगार मिला, कितना विकास हुआ बिहार का। कहाँ मिला तो कहाँ इसको क्रेडिट लेने के परेशान है? अभी जो नौकरी तेजस्वी जी दिए हैं, कहाँ क्रेडिट लेने के लिए परेशान है? वो 17 साल क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं नौकरी दिए? सिग्नेचर नीतीश जी का था, आप क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं। विभाग किसका था? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग किसका था? आदरणीय हमारे ऊर्जावान तेज तरार युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव का था। विभाग मेरा, क्रेडिट आप लीजिएगा। शिक्षा मंत्री कौन था, किस पार्टी से था? हमारे पार्टी से थे। हम दिए हैं नौकरी, तेजस्वी यादव दिए हैं नौकरी। जनता समझ चुका है नीतीश जी या मोदी जी को 400 सीट पर खदेड़ के भगा देगा। मोदी जी आए थे, गारंटी दे के गए हैं, आने से कौन रोक सकता है भाई? आए हैं गए हैं जुमला बोल के, वो तो जुमले बोले हैं। बिल्कुल जुमला है, जुमला का गारंटी बोले थे ना, बोले थे ना कि हर परिवार को 15 लाख रुपया देंगे। कहाँ चला गया? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके लोगों को भावना भड़का करके वोट लेने का काम करते हैं। इस बार जनता देश का जान चुका है कि ऐ मोदी, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हम लोग पड़ने वाले नहीं है। हमको चाहिए रोजी रोटी, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको चिकित्सा चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। स्टेज पर कहें कि हम इधर उधर हो गए थे, आप इधर उधर नहीं होंगे। नीतीश जी क्या बयान देंगे, आज भी डर लग रहा है कि आज क्या लग रहा है, क्या कर लेंगे? उनका कोई गारंटी नहीं है, नीतीश का क्या गारंटी है? अब तो मालूम का गारंटी है, अब तो मालूम है। अगर गांव में नीतीश कुमार नाम रखने में लोग शर्माता है, नाम रखने में बिल्कुल, कि नीतीश कुमार नाम रख देंगे ये बच्चा के तो कखनी पलट जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, बोल ठोर हो जाएगा। नाम नहीं रख रहा है लोग, नाम रखने में लोगों को डर लग रहा है, शर्म लग रहा है, ये क्या बोलेंगे? उनका कोई वजूद, कोई गारंटी, थके हुए मुख्यमंत्री है। कहा जा रहा है कि महारैली नहीं, महामैली है, बीजेपी कह रही है। ये तो जन सैलाब सब लोग देख रहे हैं, बताने की जरूरत थोड़ी ही है। अभी तो लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी है बिहार में, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और वो इसलिए बिन बुलाए लोग आ रहे हैं, लोग अपना और अपनों का भविष्य देखने लगे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी में। जदयू की ओर से कहा गया है कि नहीं निकलिए आज पटना में, सब लोग तो नहीं, नहीं सब लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम व्यवहार सब लोगों के बीच है, आपसी मोहब्बत बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग जो है ना जदयू के कार्यकर्ता लोग भी आए हुए हैं, कार्यकर्ता एकदम आए हुए हैं जदयू के, बहुत सारे लोग मिले, वो भी कहे कि हम भी नीतीश तेजस्वी यादव के फैन हैं। उनके कार्यकर्ता आए हुए हैं, आपको कहाँ दिख रहा, सब एक है। हम लोग में कोई किसी तरह का कटाच नहीं है, कोई किसी का कटाच नहीं करते, हम लोग सब एक है। रोजगार मतलब नीतीश कुमार कैसा रोजगार, 17 साल में क्या किए वो, कौन सा रोजगार की बातें कर रहे हैं वो? जब से तेजस्वी यादव आए तब जानते हैं रोजगार का मतलब, उससे पहले रोजगार था कहाँ? गांव तक सड़क बना दिए, सड़क बनने से रोजगार मिला, मजदूर नहीं ना, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, रोड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। चलिए तो रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, मोदी जी आए, हर बार आते जुमला देकर चले जाते हैं, रोजगार की बातें नहीं कर रहे। एक भी बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता, हम नेता की बात नहीं कर रहे, कार्यकर्ता की बात कर रहे, कोई भी अगर बोल दे कि हाँ हमने रोजगार के बारे में बात किया
तो फिर मान जाएंगे कि हाँ बीजेपी भी रोजगार देती है, लेकिन कभी वो लोग रोजगार की बातें नहीं करते, सिर्फ कैंप लगा लगा के रोजगार दिया जा रहा है। किस बात का, कहाँ कैंप, कैंप लगाकर खून चूसा जा रहा है, कैंप लगाकर खून चूसा जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वो खून चूसने का काम कर रहे हैं, वो रोजगार देने की काम नहीं कर रहे हैं। एक भी रोजगार आज 10 साल में कितने रोजगार दिए हैं वो, कितना दोस्त हर बार बोलते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़, कहाँ गया उनका वादा। मोदी जी बहुत बड़ा बड़ा वादा किए हैं, कहाँ गया वादा, 15 लाख रुपए अकाउंट में पैसा, प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार, हम तो बेरोजगार हैं, कहाँ रोजगार मिला है। हम तो अपने लाइफ को सेफ मान रहे थे, तेजस्वी माननीय तेजस्वी जी के सरकार में, कहाँ हम उनके सरकार में सेफ मान रहे हैं, हमको रोजगार तेजस्वी जी से उम्मीद है, रोजगार नीतीश जी दिए हैं। देखिए रोजगार की बात हम बात करेंगे, रुकिए रुकिए एक मिनट, आप बोले हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं वार्ड मंत्री हैं, प्रधानमंत्री वार्ड मंत्री हैं जी, एक बात बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, मोदी जी ईवीएम पे कूद रहे हैं, आज ईवीएम हटा दिया जाए देश से, मोदी जी एक वार्ड पार्षद का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। आप लोग लाठी के बल पर जीत जाते हैं, इसलिए नहीं, कौन लाठी, हम लोग कलम से जाने जाते हैं, लाठी नहीं है हमारे, कलम है हमारे, कलम पहचान है, लाठी नहीं पहचान है, इनका कलम पहचान है लाठी नहीं। ये राजद कार्यकर्ता जनविश्वास यात्रा में आए हुए हैं गांधी मैदान में, और इनका क्या कहना है, आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिलहाल आप स्टॉक्स देख रहे हैं।